No, she's just a very good friend of mine. Abhi tak, wo log bana dete room. Mini Militia. Ek 2D game tha, multiplayer 2D game. So yeah, wahi khelte the hum log and there was a unrecognized community. So clan wars hota tha, ye sab hota tha. Obviously recognizable nahi tha wo, but hum wahi friends mein and contacts ke through. So yeah, we all used to play. बहुत चेंजेस है. पहले तो ये था कि बस सबको शूट करना सीखना था पहले, तो अब तो सबको शूट करना आ चुका है. नाउ इट्स मोर ऑफ माइंड गेम. अब पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम हो चुका है. थ्रू आउट दिस जर्नी सबने शूट करना सीख लिया है अब, एंड अब स्ट्रैटेजी सीख रहे हैं धीरे धीरे. सो वी आर ऑल्सो लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड बाकी मैचेस देख के, खुद के ट्राई आउट्स कर करके सीख रहे हैं हम भी. तो ऐसा होता है कि या आई हैव अ वास्ट ऑडियंस जो बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है हमसे, बट देन इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए कि ये इसको एज अ प्रेशर नहीं लेना चाहिए कभी भी, बिकॉज अल्टीमेटली वो हम पे ही अफेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव वे. इफ़ वी यू नो प्रेशर लेंगे तो होता ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस चीज़ से. सो वी जस्ट गो विद द फ्लो एंड वी इम्प्रूव. हर मिस्टेक्स पर हम इम्प्रूव करते हैं, तो वैसा ही रहता है हमारा बस, कि इस चीज़ को प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करते हम कि इतना ऑडियंस है एंड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. क्योंकि काफ़ी सारे होते हैं जो समझते भी हैं कि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट द इंडियन कम्युनिटी एज अ होल, कि सब अच्छा खेलना शुरू कर रहे हैं एंड नॉट जस्ट मी. ऐसा था कि पहले तो मैं खेलता था तो या तो बाहर जाके खेल, या तो मतलब इवन इफ मोबाइल गेम खेल रहा हूँ कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो तू कहीं दूर बैठ के कर हमसे, ये होता था. अब ऐसा है कि मैं अगर खेल रहा हूँ और मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा हूँ तो बोलते हैं क्यों टाइम पास कर रहे हैं तो स्ट्रीम पे खेल. हाँ, अब फैमिली भी सपोर्ट करती है इस ऑप्शन को. नो, शी इज़ जस्ट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड. ऐसा था कि फर्स्ट टाइम हमने बहुत टाइम पहले खेला था एंड देन यू नो मैनी ऑफ देम स्टार्टेड कि चल साथ में खेलो, साथ में खेलो. वी स्टार्टेड प्लेइंग टुगेदर, वी बिकेम फ्रेंड्स एंड वी आर फ्रेंड्स अभी तक. वो लोग बना देते रूमर्स तो बन ही जाते ऑटोमेटिकली. हाँ, बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स. हाँ, एक गेम हुआ था कुछ टाइम पहले ऐसा, कुछ तो था, बट वी मैनेज टू किल दैट टीम जो भी हमारे सामने आए थे, ऐसा हुआ था. बट मैंने मेरा कोई हाथ नहीं था उसमें. दूसरों टीम को देख के बिल्कुल लूज नहीं होता है, बिकॉज वी ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम. तो ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे कि कहा कि चार लोग मिलके एक टीम बना के दे स्टार्टेड प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, उनका रोटेशन, उनका स्ट्रैटेजी भी एनालाइज, एवरीथिंग कैसा होता है. एंड इससे कोई हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता है दूसरे टीम्स को देख के, बट इट एक्चुअली मोटिवेट्स अस कि हम भी ऐसा कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 3 PM एंड रात तक चलता है वो प्रैक्टिस मैच, मतलब रात तक ऐसा मिडनाइट तक चलता है. एंड देन तो वो मैचेस वी एनालाइज देम. सो अब ऐसा है कि कंपटीशन में वी नो वेयर अ टीम इज गोना लैंड एटलीस्ट इन द फर्स्ट गेम. ठीक है, उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट माइंड गेम्स कि कौन कहाँ उतर रहा है, बट फर्स्ट गेम वी एवरीवन नोस कि कौन कहाँ उतरता है. सो नो वन यूजुअली यू नो ड्रॉप डाउन ओवर देयर, क्योंकि काफ़ी टाइम कैजुअलिटीज होती है. सो नो वन वॉन्ट्स टू अननेसेसरीली लूज वन ऑफ द प्लेयर. तो ये सब पता ही होता है कि कौन कहाँ जाने वाला है कॉम्पिटिशन लेवल पर, तो ऐसा होता है. बाद में जब मैचेस हो जाते हैं एंड तब थोड़ी ये होती है कि चलो मारे जाके ऐसा सब हो जाता है. इस चीज़ से टूर्नामेंट पे ऐसा सच अफेक्ट नहीं करता है, बिकॉज जो हम नॉर्मली स्ट्रीम पे खेलते हैं उसमें और एक टूर्नामेंट मैच में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. तो जिस तरीके से जॉर्जो पुल में बहुत सारे लोग आ रहे हैं एंड वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़, तो हम बेफिक्र होकर खेलते हैं वहाँ पर, एकदम घुस घुस के मारो या मरो जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. बट टूर्नामेंट में ऐसा नहीं होता है. टूर्नामेंट में एवरीवन नोस टू प्ले, एवरीवन नोस हाउ टू एम, स्ट्रैटेजी भी बनाने लगे अब. सो वी कैन नॉट ब्लाइंडली रश एट एनी टीम एंड ऐसे ही उनसे फाइट ले लें जैसे हम नॉर्मल स्ट्रीम्स पे लेते. सो यू नो देयर इज अ मिसकंसेप्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तेरे गेम को क्या हो गया है, बट इट्स एक्चुअली स्ट्रीम पे अलग रहता है गेम एंड टूर्नामेंट्स में अलग होता है. क्योंकि मैं अगर स्ट्रीम के तरीके में खेलूँ टूर्नामेंट में तो पहुँचने से पहले ही मर जाऊँगा घर तक.
सो पबजी जैसे कि आप सबको पता ही है कि इट वॉज द स्टार्ट. यहाँ से गेमिंग देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के लिए एक करियर ऑप्शन जैसा दिखा लोगों को कि या गेमिंग में करियर हो सकता है. एंड मतलब ई स्पोर्ट्स एट एन ई स्पोर्ट्स लेवल पबजी ने ही स्टार्ट किया है इंडिया में, जहाँ तक मेरा ख्याल है, वाइडर ऑडियंस के लिए. ऐसे तो ई स्पोर्ट्स था, देयर वर अदर गेम्स, बट देन पबजी ने आँख खोला है लोगों का. सो जैसे जैसे और इवेंट्स आते जाएंगे, मोर लोकल टूर्नामेंट्स एंड एवरीथिंग, मतलब वही अर्निंग इनकम दिखने लगेगा लोगों को, तो वो सोचेंगे कि याद है ऐसा करियर ऑप्शन इन दिस. यूजुअली स्ट्रीम पे ही मज़े करता हूँ, बट देन उसके अलावा वॉक पे निकल जाऊँगा, नॉर्मल वॉक्स ही होते हैं. और अगर वैकेशन लिया तो जैसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया विद फैमिली, फ्रेंड्स के साथ कभी लंच पे चला गया हम लोग सब ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, बस उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है अभी फिलहाल. तो कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही मेरा पबजी स्टार्ट हुआ एकदम, जस्ट मेरा ग्रेजुएशन ओवर हुआ एंड देन आई केम इन टू, तब मेरा यूट्यूब बूस्ट हुआ था. तो सबसे बेसिक गाइडेंस ये है कि यू नो एक छोटा इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, यू हैव टू हैव अ गुड डिवाइस. हर कोई आपको ला के नहीं दे सकता वो चीज़, तो एक अच्छा आपके पास अगर डिवाइस होगा तो एक अच्छा अगर आपके पास डिवाइस होगा तो यू कैन यू नो इम्प्रूव योर गेम प्ले, आप अपना रैंक पुश कर सकते हो. एंड छोटे छोटे जो ये कस्टम मैचेस होते हैं, एलाइट कस्टम मैचेस होते हैं, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. क्रू चैलेंज एक बहुत अच्छी चीज़ है जो पबजी ने रखी है, एंड इट इज़ फॉर दिस अंडरडॉग क्लैंस जो अभी तक आए नहीं है, दे कैन यू नो. अब हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रू चैलेंज खेलना छोड़ दिया है, सो नाउ वी सी कि कितने सारे और टीम्स हैं यू नो क्रू चैलेंज के थ्रू जो ऊपर आ रहे हैं, एंड दे आर यू नो रिकग्नाइज हो रहे हैं वो सारे टीम्स. सो या दैट इज़ द ओनली वे राइट नाउ कि आप क्रू चैलेंज खेलिए एंड अपने टीम के साथ रिकग्नाइज होइए और फिर हमारे साथ कम्पीट करिए.